भारत रत्न और स्वर कोकिला लता मंगेशकर, इनका 6 फरवरी को मुंबई में निधन हुआ। लता मंगेशकर के अचानक जाने से उनके चाहने वाले दुखी हो गए। लता मंगेशकर ने हमेशा ही कला को अपना भगवान माना। वे पूरी जिंदगी अपने गाने से देश के सभी लोगों का मनोरंजन किया है, इसलिए उनके चाहतों ने अपनी अपनी तरीके से उनको श्रद्धांजलि दी। किसी ने रेत पर उनका चित्र बनाया तो किसी ने नाक से बांसुरी बजाई। इसी तरह नागपुर शहर के लहानो इंगले मित्र परिवार की ओर से सुरों की श्रद्धांजलि दी गई। शहर के प्रसिद्ध मंगलदीप बैंड पार्टी के संचालक लहानो इंगले की उपस्थिति में शहर के सभी बैंड पार्टियों की ओर से शहीद चौक से बड़कर चौक तक बैंड बजाकर श्रद्धांजलि दी गई। आज हा जो भव्य दिव्य कार्यक्रम मंगलदीप बैंड पार्टी आदरणीय लता दीदी यांच्या श्रद्धांजलि प्रीत्यर्थ अर्पण केलेला आहे, त्यामुळे सगळ्या लोकांना आवाहन आहे की प्रत्येक गल्लोगल्ली दारादारात जागी आपलं सकाळी उठलं तेव्हापासून घेऊन तर रात्रीच्या झोपेपर्यंत त्यांनी आपल्या गायनाने सगळ्यांना एक नवीन दिशा दिलेली आहे, म्हणून अशा लता दीदींना आम्ही आमच्यातर्फे आदरांजली अर्पित करीत आहोत। धन्यवाद। मी कविता इंगळे। स्वर सम्राज्ञी गायक और विश्व की महारानी, संगीत की महारानी लता जी मंगेशकर दीदी, इनका परसों के दिन रविवार के दिन देहांत हो चुका। उसके उपलक्ष्य में हम हमारे पूरे मित्र परिवार के ओर से हम यहाँ पे संगीतमय श्रद्धांजलि का कार्यक्रम करने जा रहे हैं। हम सभी जनताओं से, सभी लता दीदी के चाहने वाले, मैं तो ऐसा बोल नहीं सकता कि चाहने वाला कोई नहीं है, पूरी जनता, पूरी दुनिया, पूरा भारत को बड़ा दुख हुआ है और बहुत दुख की घटना है ये, क्योंकि अभी दोबारा हमारे लता दीदी जैसा ये जग में, ये दुनिया में कोई दूसरा पैदा नहीं हो सकता। हमें बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा कि हमारी कोकिला, हमारी ज्ञान सम्राज्ञी, हमारी